हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कथन और पूर्व धारणा, या कथन और तर्क कह सकते हैं, कथन निष्कर्ष कह सकते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चंस मैंने अलग अलग लिए हुए हैं तीनों में से, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 7-8 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कराऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, कुछ इसमें लिखना नहीं है, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है चीजों को और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें। वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियोज आपको प्रोवाइड करा रखी हैं, कथन तर्क की अलग से, कथन निष्कर्ष की अलग से और कथन पूर्व धारणा की अलग से। तीनों वीडियो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन एक जैसे ही लिए हैं, मतलब कुछ तर्क के भी हैं, कुछ कथन पूर्व धारणा है और कुछ कथन निष्कर्ष भी है ना। तीनों तरह के मैंने लिए हुए हैं और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दें वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, जब कोई कथन आपको दिया हो तो आपको कथन से रिलेटेड ही ऑप्शन देना है, ठीक है। जब कोई स्टेटमेंट आपको दे रखी है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड ही आपको उसके जवाब देने हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड से कुछ भी सोचना नहीं है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो देना है, ठीक है। जैसे पहला कथन आपके सामने है, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपको आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग ही देना है। जैसे इसके पूर्व धारणा है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे। स्क्रीन पर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिया हुआ है, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, पहली पूर्व धारणा है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे। ये पहली पूर्व धारणा कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं करती है कि पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले में कह रहा है, वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसकी ये बात बिल्कुल सही है कि रात में अब पेड़ के नीचे सोते हैं तो CO2 निकलता है जिसके कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये इसका दूसरा वाला आप कह सकते हैं सही है। तो इसका जो सी है, केवल 2 अंतरित है, तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कुछ अलग तरह का लिया हुआ है, तो इसमें समझिएगा क्या है, टाइप 2 है ये। देखिए, जैसे कह रहा है, क्या भारतीय प्रेस विदेशी प्रेस की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है। सबसे पहले समझिएगा, जब आपको कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी या कोई भी देश विदेश से आपको कंपेयर कर रहा है तो आपको वो ऑप्शन हमेशा गलत होंगे, पहली बात। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर कर रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो एक बार को परसेंट 99.9% में से 1% 0.1% ऐसा हो सकता है कि वो ऑप्शन सही हो। अदरवाइज जब भी आप ब्रांड की बात करेंगे, दूसरे से कंपेरिजन करेंगे, नकल करेंगे तो वो गलत बात होगी। तो देखिए, जैसे इसमें कह रहा है, क्या भारतीय प्रेस विदेशी प्रेस की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है। अब इसके आप ऑप्शंस को देखिएगा, निष्कर्ष कथन को देखिएगा। कह रहा है, भारतीय प्रेस बाहुबल तथा धनबल के अधीन है। ऐसा बाहुबल और धनबल तो ऐसा ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं है, कथन में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है, भारत में अच्छे पत्रकार नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अच्छे भी पत्रकार हैं और गलत भी पत्रकार हैं, हर तरह के पत्रकार मिलते हैं। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जैसे आप डी देखेंगे, कथन 1 तथा 2 दोनों ही पर्याप्त नहीं है, तो इसमें दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको माइंड से करने और अपने माइंड का यूज नहीं करना है, मतलब अपने तरीके से जवाब नहीं देना है इसका। इसका जवाब आपको अपने कथन के अकॉर्डिंग देना है, निष्कर्ष क्या है। कथन पढ़ेंगे, कथन के पढ़ने के बाद अगर कथन से रिलेटेड कर रहा है उसका निष्कर्ष, तो बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज आप उसने अपने आप कुछ बात बना दी है कथन में, तो वो बात गलत हो जाएगी। जैसे तीसरे वाले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, कथन धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। ये बात कही है कथन में और इसकी निष्कर्ष दे रखा है, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। क्या धोखा देने वाले नास्तिक ही होते हैं? ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन में तो कह रहा है, धार्मिक विचार वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। अब इसमें धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नास्तिक भी हो सकते हैं और भगवान को मानने वाले भी धोखा दे सकते हैं, तो ये पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऑप्शन में भी कहा गया है, आपसे कथन में भी कहा गया है कि धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। तो इसमें तीसरे वाले में बी हो जाएगा, तीसरे में बी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है इस चीज का बहुत ज्यादा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये ऑप्शन आपको, ये क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, 7-8 प्रश्न थे कथन निष्कर्ष में से और इन तीनों में से ही, ठीक है। आने वाले SSC GD के भी पेपर में ऐसा हो सकता है कि काफी आपको देखने को मिले। ये यूपी पुलिस का एक बहुत ही जल्द जनवरी के आसपास पेपर आने वाला है, तो तैयारी करते रहे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। अब देखिए, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी।
एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और उस पर से एक फल नीचे गिर गया। ठीक है, तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ये दिक्कत कर देते हैं कि कथन तर्क है, कथन निष्कर्ष है, या कथन पूर्व धारणा है, क्या है, कुछ भी हो, तीनों कुछ ना कुछ एक जैसे ही हैं। ये आपको कथन से रिलेटेड करने होते हैं निष्कर्ष को। ठीक है, तो जैसे पहली वाली घटना कह रहा है, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है? ठीक है, अब पहला ए कह रहा है, खजूर इसलिए गिरा क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। क्या ऐसा हो सकता है कि कौवा पेड़ पर बैठा तभी खजूर गिरे? अरे खजूर तो वैसे भी गिर सकता था। ठीक है, बी कह रहा है, कौए कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, खजूर के पेड़ पर काफी बैठते हैं कौए, और नहीं भी बैठते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक दुर्घटना है, यह एक दुर्घटना है कि कौवा वहां पर आकर बैठा, यह एक संयोग है। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, डी, यह एक संयोग है, क्योंकि एक संयोग था, इस वजह से कौवा वहां पर आकर बैठा और उसका जो फल था वो नीचे गिर गया खजूर। तो ये इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो दी गई है ना चीज, वो कहा गया है कि एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और खजूर नीचे गिर पड़ी, ये एक संयोग है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कथन कह रहा है, 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती हैं। ये कथन दिया गया है, 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय जाती हैं, और दूसरी बात कह रहा है ये 64 नंबर की बस है। अब आपको निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, यह बस मेरे कार्यालय जाती है। अब कौन सी बस है ये तो उसने बताया नहीं है, बस ये बात कह दिया कि यह बस मेरे कार्यालय जाती है, और दूसरे वाले में कह रहा है यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है। अब उसके कार्यालय जाती भी है बस, नहीं भी जाती है, और ना तो बस का कोई नंबर दे रखा है, ना नाम दे रखा है, और कथन से भी बिल्कुल अलग है ये, तो इसके दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें डी सही है, एक और दो दोनों में से कोई लागू नहीं होता है, क्योंकि लागू तभी होगा जब हमें कुछ निष्कर्ष मिल रहा हो उसका, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। अब देखिए कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और कह रहा है अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष देखिए, अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फिजूल तो खर्च नहीं करते हैं, ना तो ऐसा सच में होता है, ना ही ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है गरीब धन की बचत करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि गरीब धन की बचत करते हैं, तो इसमें भी दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो, क्यों? क्योंकि अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए और गरीब सादा रहते हैं, इन दोनों कथनों का ना तो निष्कर्ष निकलता है, ना अमीर धन फिजूल खर्च करते हैं, ये दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, बहुत ही ज्यादा ये डिपेंड करती है आपके ऑप्शन पे, आपके कथन पे डिपेंड करती है। कथन अगर सही कह रहा है, कथन के अकॉर्डिंग आपको अगर निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो बिल्कुल बात सही है, अदरवाइज उससे कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी मैंने ये सभी वीडियोस अलग अलग प्रोवाइड करा रखी हैं आपको, कथन पूर्व धारणा की अलग वीडियो है, कथन निष्कर्ष की अलग वीडियो है, और कथन तर्क की अलग वीडियो है, तीनों की अलग अलग वीडियो है, तो तीनों वीडियोस को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। वो सभी वीडियोस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपकी कमेंट क्वेरी हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हुआ है आपको एक कथन दिया हुआ है, अब आपको एक कथन दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक स्कूल को साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, इससे बच्चों के विकास के उन्नयन में माता पिता की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। ये बात कही है एक कथन में, और इसके निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, बच्चों के विकास के लिए माता पिता को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सेदार होना चाहिए। अब आप सोचिए, ये कथन में कह रहा है कि अगर आपके माता पिता अगर किसी स्कूल की हिस्सेदारी साझेदारी में हिस्सेदारी लेंगे, मतलब आना जाना वहाँ स्टार्ट करेंगे, तो उससे कुछ आपको बेनिफिट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप उनकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे तो आपके स्कूल के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ही इससे सुविधा भी हो जाएगी। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है स्कूल की गतिविधियों में माता पिता की हिस्सेदारी का बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग कह रहा है, गलत सोच रहा है। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन में कहा भी नहीं गया है इसमें, तो ये दूसरी बात बिल्कुल गलत है, इसका सी वाला सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है, नेगेटिव ज्यादातर गलती होते हैं, नेगेटिव बात आपको कह दी तो गलती हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि माता पिता अगर वहां पे साझेदारी करेंगे तो बिल्कुल बात सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
कह रहा है प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, ये आपको एक कथन दिया हुआ है। और इसके निष्कर्ष किस प्रकार है, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, ये ठीक है क्योंकि कथन में भी कहा गया है। और दूसरा कह रहा है निष्कर्ष, सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। सबसे पहले देखिए आप, एक तो सरकारी की कोई बात ही नहीं करिए इस ऑप्शन में, सरकारी रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है।